डीएमके एक और बेटे का उदय को देखने के लिए तैयार है। जानकारी सामने आ रही है कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएमके के अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन फरवरी तक विदेश यात्रा पर जाएंगे, जिसके चलते खेल मंत्री उदय निधि स्टालिन को तमिलनाडु का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। उदय निधि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे भी हैं। इससे एक बार फिर पार्टी पर परिवारवाद का आरोप भी लगने लगा है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि 21 जनवरी को सेलम में होने वाली पार्टी की यूथ विंग की बैठक के बाद उदय निधि स्टालिन को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस बारे में पूछे जाने पर डीएमके के संगठन सचिव टीकेएस एलिंगोवन ने कहा कि उन्हें उदय निधि के डिप्टी सीएम बनने के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वो बहुत सक्रिय है। उन्होंने कहा कि इस बारे में जवाब देने के लिए सही व्यक्ति सीएम स्टालिन है। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई कि अगर उदय निधि को डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो डीएमके इसे स्वीकार कर लेगी। टीकेएस एलिंगोवन ने कहा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि वो बहुत सक्रिय है, लेकिन वो डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं इसका फैसला केवल मुख्यमंत्री करेंगे। दूसरी ओर AIADMK ने कहा है कि उदय निधि के डिप्टी सीएम बनने को अफवाह के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक सच्चाई है। विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने से लेकर मंत्री और अब डिप्टी सीएम बनने तक उदय निधि का राजनीतिक सफर हर बार एक स्टेज आगे बढ़ रहा है। इसी पर तंज कसते हुए AIADMK का कहना है कि वो 2026 तक सीएम का चेहरा होंगे। ये सब दर्शाता है कि डीएमके लोकतंत्र के नाम पर परिवारवाद का आदर्श उदाहरण है। AIADMK के प्रवक्ता कोवई सत्यन ने कहा, क्या पिता पुत्र पोते और परपोते ही डीएमके का नेतृत्व करने में सक्षम है? इससे पता चलता है कि पार्टी में AIADMK के विपरीत कोई लोकतंत्र नहीं है, जहां एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता पार्टी का प्रमुख बन सकता है। हालांकि मीडिया के सवालों पर उदय निधि ने कहा कि इस बारे में निर्णय का अधिकार सिर्फ सीएम को है, आप अफवाहें क्यों फैला रहे हैं, ये सिर्फ एक अफवाह है। हालांकि पार्टी की टॉप सूत्रों की तरफ से जो बातें सामने आ रही है उसके मुताबिक सीएम एमके स्टालिन एक लंबी यात्रा पर निकलेंगे, जिसका मतलब है कि कैबिनेट की अध्यक्षता के लिए एक उप मुख्यमंत्री की आवश्यकता होगी। ऐसे में उदय निधि स्टालिन के प्रमोशन का रास्ता फिलहाल तो साफ दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।